डंपिंग जो राउंड है वो क्लियरली मुझे दिख रही थी। मैं, वरुण और मार्टिना तीनों हम लोग डंपिंग जोन में हैं और नंदिनी के पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं हमें निकालने के लिए। मैं यहाँ पे पूरा चिल्लाती हूँ काव्या की, लिटरली ऊपर से नीचे। टास से आने के बाद मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज थी और हार मान ही चुकी थी मैं एक तरीके से। ठीक है, हार मान लिया, डंप होने वाला है, बट एक बार मुझे जाकर बात तो करनी चाहिए राजनंदिनी के सामने, एक बार अपनी बात तो रखनी चाहिए। राज, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी शौक मुझे मिली, काव्या जो मेरी राइवलरी क्वीन है वो मेरी रूम आई है। क्या मैं सपना था? लेट मी पिंच। ओह, सपना नहीं है। बताइए कैसे आना हुआ, इतनी तकलीफ आपने की, इतनी तकलीफ। I'm really sorry first of all. मेरे लिए वो डिसीजन मुश्किल था। मेरे को आर्ची खुद बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भी गुरमीत खुद बहुत पसंद है, लेकिन वो मेरा कनेक्शन है, वो मेरा कनेक्शन है, हाँ, जिसको आपने डंप किया। मैं यही सोच के गई थी राजनंदिनी के पास कि मैं एक बार जाकर उनसे बात करती हूँ, कहीं ना कहीं आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, राजनंदिनी में दिमाग नहीं है। राजनंदिनी, आई नो कि आपको अपनी गेम के हिसाब से गुरमीत को डंप करना है। थैंक यू। आप यही बोल रहे हो? मैं इतना बोल रही हूँ कि मैं इस वक्त कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये गेम जीतना, स्प्लिटसिला जीतना गुरमीत के लिए मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आर्ची मुझे हमेशा बोलता था कि मुझे गेम जीतना है। वो इंजर्ड था लेकिन हर टाइम उसने अपना परफॉर्मेंस 110% दिया। उसके लिए जीतना बहुत इम्पोर्टेंट था, एंड अगर मुझे अब जीतना है ना, अपने से भी ज़्यादा मुझे आर्ची के लिए जीतना है। अब आप अपने कनेक्शन के साथ नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप अगर आपने, मुझे पता है आपने दिल है, और नहीं यार, नहीं है दिल, दिल को निकाल के उन्हें फेंक दिया। तू डंपिंग ग्राउंड में आज मेरा सर फोड़ लियो, कुछ भी कर लियो, गेट वायलेंट, बट गुरमीत के लिए ये मत कर, गंदी मजबूरी है। डंपिंग ग्राउंड में एक कपल को रुलाया, फिर मुझे रुलाया, मतलब दिल तोड़ने का ठेका लेके रखा है क्या आप? बट आज मैं इस सिचुएशन में हूँ और शायद मैं अब समझ पा रही हूँ कि कैसा फील होता है। मैंने ये सोचा कि तू आ ही गई है मेरे दरवाजे तक, तो अब देख मैं तुझे कैसे रगड़ती हूँ, तेरा जो ईगो है तेरे अंदर से खींच के मैं बाहर फेंक दूंगी। चल अब आई है तो कुछ तो कर अपने कनेक्शन के लिए, मुझे दिखा हाउ डेस्परेट यू आर। व्हाट डू यू वांट? चल तू इसे किस कर, इसके साथ रोमांस कर। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा गिर जाएगी। लेकिन राजनंदिनी ने प्योरली अपनी एंगर वो सब मुझ पे निकाला। You want me to romance with it? I can't do it without the music. चल आई विल सिंग फॉर यू। थैंक यू। मुझे लगा तो कुछ हॉटनेस दिखाएगी मुझे, एंड आई रियली सॉ ठंडा काव्या। आई थिंक तुझे, तू चाहती नहीं कि गुरमीत यहाँ रहे। रियली चाहती हूँ राज। मैं तेरी जगह होती ना, तूने मुझे चांस दिया था ना, मैं इसको पकड़ के कुछ भी कर लेती आर्ची के लिए। मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं वैसे रोमांस करूँ। इसको बोलते सुकून, पता है लास्ट डंपिंग ग्राउंड में मैं कुत्ते की तरह रो रही। मेरा लव था वो जा रहा था, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग। माफ़ी मांग उसके लिए, हर टाइम अप डाउन कर, अप डाउन करते टाइम मुझे सॉरी बोल। आई एम वेरी सॉरी राजनंदिनी कि मैंने आपके कनेक्शन को डंप किया। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो मैंने ये किया। मैं ये गलती के लिए बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, और मैं ये गलती अब अंडू नहीं कर सकती। लेकिन मैं बोर हो गई, अब मुझे रेडी होना। तो मैं, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, फिर मुझे लगा कि यार मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मैं वहाँ से चली गई। राज प्लीज एटलीस्ट टॉक। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि राजनंदिनी के अंदर शायद बिल्कुल भी दिल नहीं है। मेरे को ये भी लग रहा था कि
मैंने उसको इतना हर्ट कर दिया है कि वो आज मुझे इतना हर्ट कर रही है। उस डेट का मुझे कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। एटलीस्ट टॉक। I'm tired यार, मुझे डंपिंग के लिए रेडी होना है। कैन यू सी द टैन? आज नंदिनी मैं बस आपसे इतना प्ली कर रही हूँ कि प्लीज गुरमीत को बचा लो यार, लाइक एटलीस्ट फॉर गुरमीत। बाय। जिसने मुझे हर्ट किया, जिसने मेरा कनेक्शन को हर्ट किया, उसको मैंने आज हर्ट के साथ लाइक यस। इसको बोलते बदला। Splitsvillains, this is MTV Splitsvilla 9. ये आप लोगों का आखिरी डंपिंग ग्राउंड है। All you Splitsvillains, to reach here, you've fought, you've cried, you've laughed, you've gotten through some very tough times. We've seen physical fights here. We've seen yelling, screaming. तेरे बाप ने बिठाया मुझे यहाँ पे। Don't reach my father. Mirror grabbing. Betrayal. I just had a little moment with Karan Khanna. सब कुछ देखा है. This is the last time we're gonna see you, all in your beautiful gowns, in the dumping ground. जो भी आज के डंपिंग ग्राउंड को सर्वाइव कर लेगा, ऑल ऑफ देम विल बी इन द फिनाले। जो यहाँ पे डंप करती हैं हमारी क्वींस, उनको बुला लें प्लीज। यस यस। कैन वी हैव काव्या एंड राज नंदिनी? आज जितने भी लोग डंपिंग जोन में हैं, सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे चलो एक डेट मिल जाए, लेकिन कोई डेट्स नहीं थे। कंपटीशन के बाद आप लोग अपने विला गए और उसके बाद सीधा डंपिंग ग्राउंड। कुछ नहीं हुआ कि कुछ हुआ? मेरी पैलेस में आई हमारी दूसरी रानी एंड मैं एक्चुअली उसे शॉक थी। मैंने बोला क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? I just really pinched myself and वो आई and अपनी बात रखी। मैं तो बस मजे ले रही थी, मैं मुझे obviously मुझे सुनना तो था नहीं। आपको सुनना नहीं था तो वो क्या बोल रही थी? काव्या क्या बोला आपने, क्यों गई आप इनके पैलेस में? मैंने सोचा कि एक एफर्ट मुझे शायद करना चाहिए, एटलीस्ट खुद को एक तसल्ली होती है कि आपने सारी पूरी कोशिश कर ली। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं राजनंदिनी से जाकर एक बार बात करती हूँ। मैं इनके पैलेस गई। सॉरी काव्या, आप यू नीरन भी सॉरी गुरमीत। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया और मैंने राजनंदिनी को यही बोला कि गुरमीत को ही हैज टू विन। वो फिनाले के इतने करीब जाकर इस कंपटीशन से नहीं जा सकते। आपको लास्ट डंपिंग ग्राउंड में सोचना चाहिए था। यू नो व्हाट, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। मैं क्यों सुनूं आपकी, जब आपने मुझे इतना हर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स को इतना हर्ट किया, मैं क्यों सुनूं आपकी? काव्या, कोई फायदा हुआ जाने का? आपने नंदिनी दूसरी बार इनसे प्लीट करवाया दूसरी बार? या बिकॉज मुझे गुस्सा था। मैं यहाँ अभी आर्ची को नहीं देख रही हूँ, इस बात का मुझे गुस्सा है। जितना हो सके मैं निकालूंगी। आई एम नॉट सीइंग हिम। यू हैव नो क्लू हाउ मच आई क्राइड। And it bloody hurts.
at this moment, जो अभी भी हो रहा है, I think Raj Nandini is what is called a scorn woman. And जब एक woman इतना, उसको इतना pain होता है, there's really not a lot that you can recover from. आपको मैं एक situation दे रही हूँ, just imagine. लास्ट डंपिंग ग्राउंड में सपोज मैंने आपको डंप किया और आज आर्ची वहाँ खड़ा हुआ है और मैं उनके साथ सामने गई प्लीट करने के लिए, मुझसे क्या क्या नहीं करवाएगी? मैं कुछ नहीं करवाती राज नंदिनी, आपने बोला कि आप प्लीट करने को रेडी हो, मैंने बोला कनेक्शन डंप नहीं हुआ है अभी तक. यू डोंट नो हाउ इट फील्स टू सी योर ओन कनेक्शन ओन, जिससे आप इतना चाहते हो वो जाए ना, वो चीज आपको पता नहीं कैसा लगता है अभी तक. जब पता लगेगा ना तब आप बताना कैसा लगता है. पर कम से कम ऐसा तो नहीं करती जैसे जैसा आपने किया. बहुत कुछ करती. मैं बिल्कुल नहीं करती. कम ऑन, जिस तरीके से उन्होंने दिल तोड़े यहाँ पे, मैं उस दिन आपकी प्लीट नहीं सुनना चाहती. इंसान के दिल नहीं है अंदर, बंदों को रुलाया है ऐसे, वो कुछ भी कर सकती. आज के डंपिंग ग्राउंड में दोनों क्वींस एक एक स्प्लिट विलन को डंप करेंगे. किसी को कुछ कहना है क्वीन काव्या या क्वीन राजनंदिनी को? राज को, मैं राज को एक बात बोलना चाहता हूँ. राज, जो भी लास्ट डिसीजन हुए हैं इस टाइम पे, इस मुकाम पे, जब जो भी काव्या ने डिसीजन लिए हैं, चाहे वो करण छाबड़ा का, चाहे आर्ची का हो, आपका बनता है, आपका पूरा हक बनता है बदला लेने का. तो अगर आप ऐसा डिसीजन अभी ले लेते हैं कि मुझे ना डंप करें, तो शायद वो जो देखने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, कि इसने पहले जो गलत किया, पर अभी आप सिर्फ एक बदला लेने के लिए आप कर रहे हो, और कोई आप, कोई आपके पास नहीं. पहले जो गलत किया, क्या गलत किया? जो पहले भी डिसीजन जब मार्टिना ने बोला था कि मैं डम नहीं करूंगी, आपने डम कर दिया वरुण को, ठीक है? अभी वरुण को डम किया बिकॉज मेरी कुछ रीजंस थे. उन्होंने पहले मुझे प्रॉमिसेस करके धोखा दिया. एट दैट टाइम मुझे गुस्सा था उस बात का. पर आपने मार्टिना को भी प्रॉमिस किया था उस टाइम, या कुछ ऐसी बात हुई थी जब आपने बोला था मेरा कनेक्शन सेव होना चाहिए? वो सेफ है अभी तक, है ना? सेफ है ना? और पता है सबसे गंदा क्या लगता है? अगर मैं विला में होती, मैं जाती रोती, मेरे फ्रेंड्स होते वहां पे मुझे कंसोल करते. मैं गई अकेले अपने पैलेस, देयर वाज नो वन टू कंसोल मी, आई वाज अलोन क्राइंग देयर. दैट वाज द वर्स्ट पार्ट. दैट्स द प्राइस यू पे एज अ क्वीन. ना You have so much power, but you're alone. I needed someone जिसके मतलब कंधे में मेरे सर रख के रो सके, something like that. कुछ कोई हो, but I was alone. And सच में शायद मैं आज थोड़ा सा भी strong feel कर रही हूँ, only because of that कि I cried my all frustration out. And आज मैं बहुत खुश हूँ. And you're strong today. I'm strong. Okay. और किसी को कुछ कहना है? किसी को बुक ऑफ फॉर्चून तो नहीं खोलना? सब चाहते हैं ऑलमोस्ट. इट्स टाइम फॉर द बुक ऑफ फॉर्चून टू से समथिंग. माय क्वींस, आई गिव यू द पावर टू रिमूव अ पेयर टुडे. But accordance of both is the only way. Let them go, then come back to me. For more torment, I foresee. पहले आप unanimously दोनों decide करोगे और एक पेयर को dump करोगे. After that, we have to go back to the Book of Fortune, जो कह रही है कि there's more punishment. So both of you queens must decide together which pair you want to dump today. As pairs, कुछ कहना है आपको? राजनंदिनी, आपने अभी जो बोला था कि what goes around comes back around, आज ही इसलिए डंप हुआ है
क्योंकि आपने ये चीज चालू की है बाय डंपिंग वरुण सूद, और आपकी वजह से मैं वो थ्रोन से निकल के आई। आपके पास जो थ्रोन है वो आपने अर्न नहीं किया है, ओके, तो उसका गलत फायदा उठाना बंद करो। आप एक टास्क जीती है पूरे सीजन में। आपने कितना जीता? मैंने परफॉर्म भी किया, मैं जीती भी हूँ, मैं क्वीन के थ्रोन अर्न भी की हूँ दो बार। आप अगर मुझे आज निकालते हो, मुझे और वरुण सूद को, तो मैं चौड़े में बोलूंगी कि राजनंदिनी द इविल क्वीन डरती है, इसलिए अपने कॉम्पिटिशन को निकाला है उसने। I will dump you guys not because I think you're competition, because I hate you both. इन्होंने भी last dumping से पहले बोला कि I'm cutting down my competition. I want to dump that person because I'm cutting down the this point of time. इस बोलो डरते हो? टाइम से मैं अपना competition कम करूँगी। आप लोग क्यों समझते हैं कि एक बार और क्या परफॉर्मेंस क्या वरुण? I really don't think वरुण आप कुछ परफॉर्मर हो। सबको दिख रहा है। You know the funniest part is, दो बार dump किया, मुझे बोला कि competition में मैं निकाल रही हूँ, दो बार। अब बोल रही कि I hate you guys, ये नहीं, हम डरते हो? You don't deserve to be the queen. You deserve to be the queen क्योंकि आपने wolf pack में से किसी को नहीं निकाले थे। ये जो wolf pack में ना सबने perform की है, we performed and our performance will speak. आपने कुछ नहीं किया। Do anything, guys. Do anything, it won't work. Anything, it won't work. That's very nice pleading. Now मैं आपको याद दिलाता हूँ कि काव्या और राजनंदिनी आपको एक साथ एक पैर को dump करना है। श्री और करण खन्ना को आप नहीं करोगे, वरुण मार्टिना को मैं नहीं करूंगी, बचे ईशा और अभिषेक। Let's get to the point. अगर मैं चाहूंगी कि मैं वरुण और मार्टिना को डंप करूं तो आप नहीं चाहोगे? मैं अपने अभी दोस्त भी डंप कर दूं, मैं आपको मेरा कनेक्शन भी डंप होते हुए देख लूं, मैं सब कर दूं। आपको कैसे पता कि इसके बाद गुरमीत डंप होगा? बुक ऑफ फॉर्च्यून में कुछ भी हो सकता है। राजनंदिनी, मैं यहाँ पे दो कपल्स को डंप करने को अग्री कर रही हूँ और आप एक्चुअली एक कपल को डंप करने को अग्री कर रहे हैं। रणविजय ने बहुत पहले क्लियर करा था कि इस थ्रोन पे बैठ के बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैं डम नहीं करना चाहती हूँ। हम लोग कैन वी जस्ट सेव यू सेव एंड देन दे गो, बिकॉज आई डोंट वांट टू डम देम। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट आई एम रियली सॉरी। अभिषेक एंड ईशा, I'm sorry, we are dumping. थोड़ा बुरा लग रहा कि यहाँ तक आकर फिनाले, एटलीस्ट फिनाले खेलना चाहता था, बट इट्स ओके। कोई ग्रजेज नहीं है किसी का, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए मैंने, एंड आई एम रियली हैप्पी मैंने ये शो किया। I'm happy. Yeah, you're satisfied. You made it a lot further than I thought you were going to as well. Survived every single day till the end. We are very proud of you. Wow! Seedha hi do log chale gaye. Let's get back to the tournament. All in danger still remain, as the rival queens can cause each other pain. One life each, the queens must take today. That's not all. I have more to say. Shit.
अब दोनों क्वींस एक एक स्प्लिट्स विलन को डंप करेंगे। काव्या, बहुत टेंस लग रही हो आप। बिकॉज मुझे पता है कि राजनंदिनी गुरमीत को डंप करने वाली है, लेकिन अभी वो जब तक कह नहीं रही तब तक वो चीज बस दिमाग में ऐसे अटकी हुई है और दैट्स इट। मतलब कहीं आपको होप है कि शायद ये गुरमीत का नाम ना ले। थोड़ी देर पहले जो मैंने इनके सामने डील रखी थी वो करती तो शायद होप रहता। कौन सी डील रखी है आपने? मैंने जो बोला कपल, किस कपल को आउट करना है। आप बहुत क्लियर हैं कि आप गुरमीत को डंप करेंगी। राजनंदिनी, आपने ये कभी नहीं बोला कि did you even speak for your guy कि हाँ ठीक है, अगर वरुण और मार्टिना अगर हम लोग डंप कर रहे हैं तो आप गुरमीत को डंप मत करना। जॉली राजनंदिनी, नंदिनी आज जो प्लीट करने आए हैं आई थिंक उससे बड़ा आंसर आपको नहीं मिल सकता। और दूसरी बात, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इन केस इन दोनों में से कोई अगर डंप होता है, मान लो करण हो गया, मान लो आप हम में से एक करते हैं, आपके लिए बाद में जाके फिनाले में कौन परफॉर्म करेगा? So she could say the same thing about Shri. और काव्या? She can use Karan. काव्या के साथ कौन करेगा? If he goes out, I perform with Kavya. If I go out, obviously he performs with Kavya. Martina के साथ कौन करेगा? Then if Kavya dumps you and Raj dumps Martina, उसको अपना कनेक्शन वापस मिल सकता है, वो भी एक डील है। अब अपने आप को बचाने के लिए आई लाइक इट, ये शुरू से होना चाहिए था। शुरू से पता क्या हो रहा था, मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़ेगी आफ्टर माय कनेक्शन मैं आपके पास जरूर आऊंगा। अब सीधा, व्हाई डोंट यू डंप दीज टू और आपका भी कनेक्शन बच जाएगा। आई लाइक इट। मैं पिछले डंपिंग ग्राउंड में बोला था कि खुल जाओ, ये लास्ट डंपिंग ग्राउंड है। राजनंदिनी, हु आर यू डंपिंग? मुझे इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट आई रिस्पेक्ट हिम, बट आई एम डंपिंग यू ओनली बिकॉज ऑफ योर कनेक्शन, बिकॉज शी डंप माई कनेक्शन एंड इट वॉज रियली हर्टफुल। गुरमीत, आई एम डंपिंग। ये भी हमेशा बोलती थी कि मुझे आर्ची बहुत जेन्युइन है, बचाया भी है इसने उसे, कितनी बार बचाया भी है इनको, पता है इन्होंने मेरी क्लियर करी थी, आपको क्लियरली क्यों नहीं सुनाई देता? तुम चाहे इसके कनेक्शन को डंप कर लो लेकिन ये तो है बेवकूफ, ये नहीं करेगी, ऐसा आपने सोचा है क्या? नहीं राजनंदिनी, यू हैव नो क्लू हाउ मच आई वाज हर्ट, ठीक है? आई हैव द क्लू यार। यू डोंट आई एम टेलिंग यू, होगा तो 3-4 दिन बाद जाके बना लेना। अच्छा तो आप ये सब कर लो, आप सेम टू यू है ना, आपने कर लिया ना, आपने कर दिया। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि गुरमीत को मेरे लिए सेव करो, मैंने आपको ये बोला कि गुरमीत को उसके लिए सेव करो। एक चीज अंदर रह गई कि आर्ची के साथ मैंने स्प्लिट फिल्म में एक टास्क नहीं परफॉर्म किया। मैं अपनी प्ली में बहुत क्लियर थी कि आज गुरमीत को उसके लिए बचाओ। हर बार आर्ची मुझे बोलता है कि आई वांट टू विन स्प्लिट फिल्म, आई वांट टू विन स्प्लिट फिल्म, एंड नाउ इफ आई वांट टू विन आई विल विन इट फॉर हिम। लेट्स हियर व्हाट योर डिसीजन इज काव्या। कारण खन्ना, आई एम डंपिंग यू।
a very interesting decision. Who are these two going to compete with? Throne pe baithe ho, but kiske sath finale khelenge? Ye bhi socha tha. There's no one left. Shree, Varun, Martina. Congratulations, you have survived the last dumping ground. Welcome back to Spitzvilla. शुरू से जो दो ग्रुप्स बने उसमें जो दो नाम सबसे स्ट्रॉन्ग थे दोनों ग्रुप्स में, एक था करण और दूसरी तरफ गुरमीत. अगर सिर्फ करण की बात करें तो करण, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन मैन. तेरे तू सब कुछ सही करता है, एंड तक पहुंचता है, बट जो लास्ट नेल होती है ना कॉफिन में, वो नहीं लगी यार आज. यू हैड 4-5 शॉट्स, कट जाती तो तुम दोनों यहां पे बैठे होते, कोई सीन ही नहीं होता. मतलब इट्स जस्ट, इट वाज इन योर हैंड्स. और आज का दिन अगर गुरमीत के लिए देखे, द वन डे पूरे स्प्लिट्सविला की जर्नी में, एक दिन जब उसने परफॉर्म नहीं किया, आउट. बोथ ऑफ यू डंप आउट ऑफ द विला. मुझे बाकियों के बारे में तो पता नहीं, बट आई नीडेड इट द मोस्ट. Why did you need it the most? Last year bhi Rhodey's X2 ke finale mein itna pass aane ke baad Gurmeet lost by a very close margin. So ye jeetna itna pass aane ke baad, you know, losing is again a very bad feeling. I asked him about it aur फिनाले की बात करते ही ना उसकी आंखों में आंसू आ गए अचानक से. ही स्टार्टेड क्राइंग. आई नीड दिस, बट मेरे से ज्यादा उसको नीड है इसकी. रोडीज X2 में जो जो करंट का टनल था ना, एक महीना मुझे हॉन्ट किया उसने. आई नो वाज देयर इन दैट टनल. But Gurmeet, when you work in an industry called the entertainment industry, we all know it's a dog-eat-dog world. We all know that in one Friday, somebody's life is made or somebody's life is not made. In a finale, shayad, it's made or it's not, but there's something that sab log dekhte, and that's who you are as a person. Those people out there that are watching, those young people, they look up to you. And at the end of the day, we all have losses in life. We all have movies that flop. We all have shows that don't do well. But do you know what's the best thing about that? Is you learn from your experiences, and also you get back on your feet and you do it again. Why? Why? Because you love it. I've had so many things that have gone wrong, so many, I can't even, it would take me a whole month of Splitsvilla to explain all the shit that's happened. I'm sure you have so many experiences. I've heard some of his stories where he's had to sleep on the floor with his face in the water, and he's, why? Because he believed in the show and he believed in moving forward, and now look at where he is. He didn't get there from winning every single time. He didn't get there from everything that just aligned in its place. What do we have to do, Gurmeet? We have to fight for it. You pick yourself up and you move forward. Gurmeet ke bare mein janta hoon. You came here to find true love. Kavya ko main janta hoon pehle se, aapko bhi. The way you guys have come together, it's beautiful. The way you feel for each other, it's beautiful. What do you want to say, Karan, about your journey here? Winning and losing is one thing, but not giving up is another thing. इतना कुछ experience मिला है. I think मैं जब बाहर जाऊँगा outer world में, I'll be a much more bigger person, and सोच बड़ी हो गई है.
बोलते हैं कि लोग मिस नहीं करते, बट आप जब बाहर जाते हो अपनी लाइफ में बिजी होते हो. आई एम गोना मिस एवरीवन, एवरीवन. हैड अ ग्रेट टाइम, ग्रेट टाइम. उसने मेरे लिए तो स्टैंड लिया, उसने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करी, तो आई थिंक वो बहुत ही करेजियस है और बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. आप दोनों के जाने से पहले द लास्ट थिंग हमें एक और करनी पड़ेगी. वी हैव टू टर्न अनदर पेज. Tormented you enough, played with your emotions. But this final night, I smile on connections. The bold queen may save one that the evil queen has slain. Death! If she gives life to her beloved, to undo her pain. The last choice you must make together. Barter one dead soul for another. With these last words of fortune, my part in this game is done. Women or men, rule who may. My purpose has always been uniting lovers as one. Do you know what this means? Awesome. This means कि अगर काव्या आपका decision reverse करके गुरमीत को बचा ले और आप दोनों बोलो ओके, हम एक डंप हुए लड़के को वापस ला सकते हैं. एंड इफ दैट इज समबडी दैट यू वांट, बिकॉज ये लास्ट टाइम है जो बुक ऑफ फॉर्चून कुछ भी बोल रही है स्प्लिटसविला 9 में और कह रही है जाते जाते आई जस्ट वांट टू यूनाइट हार्ट और जो भी कनेक्शंस हैं उनको मैं वापस बनाना चाहती हूँ एज मच एज आई कैन. I think we should shut it now. How fortunate, man. Good job. So both the queens will have to say it together ki hum chahte hain kaun wapas aaye. Hum dono chahte hain. Hum dono chahte hain. स्प्लिट्सविला 9 में ऑलरेडी मैंने आर्ची को डंप कर दिया था. वो वापस आ गए. Are you sure, guys? This is your decision? Yes. All right. आर्ची. Congratulations, प्यार की जीत हुई है. एंड एक साथ दो कनेक्शन बच गए हैं और वो भी क्वींस के कारण. आपकी जो जर्नी है बहुत स्पेशल थी. वी डोंट वॉन्ट कि आपको ऐसा लगे दैट यू आर अलोन. यू शुड नेवर स्टैंड अलोन करण. आर यू रेडी टू बी इन द कंपनी ऑफ सम पीपल? यस, ऑफ कोर्स. Your wish is my command. Splits villains. Oh. I was so sure in log puri apni planning karke aayenge. Mayuri, Priya, Chhabra. Achanak bijli kadki. और पत्नी कहाँ पे पुराने बिछड़े पिछड़े हुए इंसानों को बुला के एक्स स्प्लिट्सविला.
और जब उनको बुलाया ना, सभी की शक्लें इतनी कमीने वाली थी। आज पूरे डंपिंग ग्राउंड में एक रिवेंज जो वर्ड है ना, वो पूरा छाया हुआ था। ये लोग करने क्या वाले हैं, बिकॉज तुम्हें सबको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है ना। अभी गेम साफ हुई है, सारे के सारे फिर वापस आ गए हैं। यू आर मेकिंग द गेम अगली अगेन। अभी कुछ ना कुछ तो धमाल होने ही वाला है विला में, पूरा विला उल्टा पुल्टा होने वाला है, सारी चीजें निकलने वाली है।